रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में आए दिन बिजली की आंख मिचौली के चलते लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं आज सुबह तेज बारिश के बीच पूरे बाजार में सुबह 8 बजे से बिजली गुल रहने से भी लोगों की दिनचर्या के कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गए। हमीरपुर के सुगम केंद्र के साथ साथ लोकमित्र केंद्र में कामकाज करवाने आए हुए लोगों को बिजली न होने के कारण दोपहर बाद तक परेशानी झेलनी पड़ी। हमीरपुर में आए दिन बिजली की आंख मिचौली के चलते लोगों की खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं आज सुबह तेज बारिश के बीच पूरे बाजार में सुबह 8 बजे से बिजली गुल रहने से भी लोगों की दिनचर्या के कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। हमीरपुर के सुगम केंद्र के साथ साथ लोकमित्र केंद्र में काम करवाने आए हुए लोगों को बिजली न होने के कारण दोपहर बाद तक परेशानी झेलनी पड़ी। इस तरह बिजली विभाग की कारगुजारी के चलते लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। वहीं बिजली नहीं होने से पूरे बाजार में भी दुकानदार अंधेरे में ही काम निपटाने के लिए मजबूर रहे। लोकमित्र केंद्र में काम करवाने के लिए पहुंची महिला ने बताया कि सुबह से बिजली नहीं आई है और ना ही कोई काम हो पाया है। उन्होंने बताया कि बिना बिजली के लोकमित्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बिजली के आए दिन गुल रहने की समस्या से निजात दिलाई जाए। युवक ने बताया कि आधार कार्ड अपडेट करवाने आए हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से दिक्कतें पेश आई हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे तक बिना बिजली के बैठे हुए हैं और दोपहर 12 बजे तक लाइट भी नहीं आई है। क्या नाम है आपका? तो फिर क्या हुआ, बन गया आपका कार्ड? नहीं सर, लाइट ही नहीं है सुबह। कब से आए आप? 9:30, अभी तो 12 बजने वाले हैं, सुबह से लाइट ही नहीं है। डीसी कार्यालय के साथ लगते लोकमित्र केंद्र के संचालक ने बताया कि सुबह से ही बिजली नहीं आई है और लोकमित्र में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह में 1-2 बार बिजली कई घंटों तक गुल रहती है, जिसके कारण पूरा कामकाज प्रभावित होता है और लोगों को काम करवाने के लिए भी दिक्कतें पेश आती हैं। एक दो बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती, लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और लोग बड़े दूर दूर से आए होते हैं, बीमार भी होते हैं, जो मरीज हैं, इस चीज़ को स्पेशल गाड़ी में लाया जाता है। इधर नहीं जनरेटर की सुविधा नहीं है, मैं 7 साल से यहाँ पर जनरेटर की सुविधा नहीं है। डीसी ऑफिस में तो जनरेटर रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है, आज तक कभी किसी ने चलाया नहीं, इसलिए गौरव नहीं की इसके बारे में।